सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश नगर संग्राम। तो निकाय चुनावों ने अपनी दस्तक दे दी है। सभी पार्टियों द्वारा विकास के तमाम दावे किए जा रहे हैं, वही हम पिछले कार्यकाल में हुए विकास की पड़ताल भी कर रहे हैं। इसी बीच हमारी टीम पीलीभीत की पूरनपुर नगर पालिका परिषद क्षेत्र में गई और वहां के विकास कार्यों का जायजा लिया। यहां के जायजे के दौरान पता चला कि मौजूदा चेयरमैन ने काफी हद तक विकास किया है। सरकार द्वारा चलाई जा रही सारी योजनाओं का इस पालिका क्षेत्र में लाभ मिल रहा है। आप भी देखिए क्या कुछ कहा है यहाँ की जनता ने। तो वही नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज प्राइम टीवी की टीम जमीन है हकीकत पूर्णपुर में पहुंच चुकी है। पूर्णपुर के जिला पीलीभीत विधानसभा 129 नगर पंचायत पूर्णपुर में उपस्थित है। यहां पर चुनाव की सरगर्मी बढ़ चुकी है और आपको बताते चले यहां पर हर पार्टी ने अपने दावेदार अपने जो है पार्टी को उतार चुके हैं। यहाँ पर सभी लोग दावेदार हो चुके हैं और जो है कि यहाँ पर जमीन हकीकत में आज हम जनता से जानेंगे कि किसको बोल कर चेयरमैन चुनेंगे, जानकारी लेंगे सभी जनता से और एक एक सवाल पूछेंगे, क्या उंगली उठती हैं जो पुराने चेयरमैन थे उन पर, क्या उंगली उठती है, क्या अपने मंसूबे रखेंगे नए चेयरमैन बनने वाले के लिए और क्या क्या अभी तक जो उन्होंने नहीं किया, क्या न्यू युवा उनके साथ में क्या करवाना चाहता है और क्या दिक्कतें आ रही थी पुराने जो चेयरमैन थे उनसे अब जानकारी लेंगे सभी जनता वासियों से। यहाँ के पुनपुरवासी लोग हैं, हमारे साथ में उपस्थित हुए हैं कई लोग हमारे भाई, सबसे जानकारी लेंगे और देखते हैं क्या जानकारी लेंगे कि आखिर उनको जैसे शिक्षा में अस्पताल में और क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं इसके बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है जी। जैसे कि अपने पूर्णपुर में शिक्षा विभाग को लेकर के ज़्यादातर शिकायतें मिलती रहती हैं, इसके बारे में आप क्या बताएं? जी जी, जो नए चेयरमैन शैलेंद्र गुप्ता जी बनने जा रहे हैं वो शिक्षा में परिवर्तन लाएंगे और अधिक से अधिक गरीब मजदूरों की सहायता करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे, नए कॉलेज स्कूलों का संचालन करेंगे, सड़कों की मरम्मत, सड़कें नई डलवाना, गंदगी को हटाना और स्वच्छ बस सुंदर पूरनपुर बनाने का काम करेंगे। अभी हमें हम जानकारी में मिली है कि कहते हैं कि यहाँ पर अस्पताल व जैसे कि कोई क्रिटिकल कहानी हो जाती है यहाँ पर, अच्छा ऐसा कोई अस्पताल नहीं है जिसको जिस व्यक्ति को अगर मरण अवस्था में होता है उसको बचाया जा सके, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हर संभव बचाने का प्रयास किया जाएगा। अस्पतालों में नर्स डॉक्टर स्टाफ सबकी व्यवस्था अच्छे से अच्छी की जाएगी, साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखा जाएगा और भारतीय जनता पार्टी से बहुत बहुत उम्मीद है और शैलेंद्र भैया जो है सबको साथ लेकर चलते हैं, गरीबों के मसीहा हैं और बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि आपने बताया भारतीय जनता पार्टी, जैसे कि आपको सपा या कांग्रेस या निर्दलीय इन पार्टियों से आपको जैसे कि इनके बारे में आप क्या बताएंगे और इनके बारे में आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? हमें जी हमें सब उन सब पार्टियों से दिक्कत है, हमें सिर्फ मोदी योगी से उम्मीद है जो कि गरीबों को गल्ला दे रहे हैं, जिनके घर चूल्हे नहीं जलते थे, उधार अनाज मांगना पड़ता था कि हमें एक बोरा अनाज दे दो, हमारे गेहूं आएंगे तो हम चार बोरे तुम्हें देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आजकल गरीब लोगों के यहाँ चार चार बोरे गेहूं पड़े रहते हैं जो मोदी जी और हमारे योगी जी की ही देन है, जो कि फ्री राशन और महीने में दो दो बार राशन दे रही है, डबल इंजन की सरकार महीने में डबल राशन भी दे रही है। जी जी, आप बात करेंगे जी, क्या नाम है आपका? शंभुनाथ दीक्षित जी। जी शंभु जी, हमें एक बात बताइए, आप किसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और आप किस अवधि बार जैसे कि क्या नगर चुनाव में चाहते हैं और किसकी पार्टी को जीतना चाहेंगे? हम 1987 से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की हमें यहाँ नगर में भी उसी की सरकार जैसे कि आपको ऐसे सपा से क्या दिक्कत आ रही है, क्या उनके बारे में क्या आप जानकारी कुछ देना चाहेंगे? हम किसी की बुराई करना नहीं चाहते हैं, हमें भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ पसंद हैं और उनकी नीतियों पे ही हम चलने का भी प्रयास करते हैं। जैसे कि जो अपने पुराने चेयरमैन रह चुके हैं उनसे क्या निमित्ताएँ हुई हैं और क्या उनके बारे में जानकारी कुछ देना चाहेंगे, जैसे कि और आने वाले जो पार्टी है उस आपके उससे क्या उम्मीद है, क्या आपका जो आपका भरोसा है, क्या करना चाहेंगे? हम चाहते हैं पूर्णपुर में बदलाव हो और हमारा जो चेयरमैन बने वो क्षेत्र का सर्वांगीण विकास करे और जो हमारा वर्तमान में जो चेयरमैन का प्रत्याशी है वो अमीर गरीब सबसे कंधा से कंधे मिला के चलने वाला है, सबके दुख सुख में खड़ा होने वाला है, सबकी हर तरीके से मदद करने वाला है। जी जी जी, हमारे साथ में युवा लोग भी जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेते हैं कि इनके क्या मंसूबे हैं और ये लोग क्या बताते हैं, क्या चाहते हैं और किसकी पार्टी चाहते हैं। जी क्या नाम है आपका?
मेरा नाम समर आजाद है जी। आपसे हमारा पहले सबसे पहला प्रश्न है कि आप किस पार्टी को चाहते हैं? ऑफिशियली बीजेपी। अच्छा, बीजेपी। जैसे कि आप बीजेपी चाहते हैं, और जो आप पिछले चेयरमैन थे उनसे जैसे क्या शिकायत है, और आने वाले जो चेयरमैन हैं उनसे आपको क्या क्या उम्मीदें हैं? देखो ना, तो मैं पिछले वाले ने जो कार्य किया पार्टी में रहे, अब नहीं है पार्टी में, उन्होंने अच्छा काम भी किया, सड़कें बनाई, रोटाई, नाम है उनका भी, लेकिन जो अब हैं जो बनेंगे तो उनका भी काम देखा जाएगा। लेकिन हमने कहीं अधिकतर देखा है कि कहीं नालियाँ टूटी हैं, पुलियाँ टूटी हैं, कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नालियाँ ठप पड़ी हैं। जैसे कि अभी हम इसी रोड से गुजरे हुए तो यहाँ पर एक नाला बिल्कुल ठप पड़ा है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मेरा भाई, जब कोई चीज़ बनाई जाती है तो बिगड़ेगी तो ही है, ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा नहीं है। सरकार से पैसा आता है, चेयरमैन लगाता है, लेकिन अगर कोई उसमें मिस्त्री मजदूर करता है घपला तो वो चेयरमैन की गलती नहीं होती। अच्छा, जैसे कि आने वाले जो किसको आप लोग चेयरमैन की अबकी बार कुर्सी देना चाहते हैं, किसको जिताना चाहते हैं, क्या इसकी कोई जानकारी देना चाहेंगे? देखो, मैं जीतने की तो बीजेपी की उम्मीद है, ठीक है, उसी को जिताना चाहता हूँ, लेकिन क्या किस्मत को किसी ने नहीं देखा। अच्छा, जैसे आप बीजेपी के लिए बता रहे, आपको सपा से कोई जैसे कि घृणा या दिक्कत आ रही है? सपा से ना अब तक कभी संबंध रहे ना रहेंगे। ऐसा सपा से क्या मामला है जो आपको मतलब सपा से संबंध नहीं रहे, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैंने जब से जन्म लिया है, जब से सोच संभाला है, हमारे मुन्नू जी रहे यहाँ विधायक जी, तब से आज तक मैंने केवल बीजेपी को चुना है, उसके कार्यों को चुना है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए, हमारे साथ में दूसरे व्यक्ति लोग जुड़ चुके हैं, जानकारी लेते हैं। चलिए, हमारे साथ में एक बंधु लोग भी और जुड़ चुके हैं, इनसे जानकारी लेते हैं किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे और अब की बार ये किस चेयरमैन को बनना चाहते हैं, देखते हैं। क्या नाम है आपका? रोमान अली वारसी। जैसे कि आप अबकी बार किसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और किसको चेयरमैन बनना देखते हैं? देखिए, हम समाजवादी पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, और समाजवादी पार्टी का मैं आपको बता दूं, मैं नगर पालिका परिषद पूरनपुर से संभावित प्रत्याशी भी था, परंतु पार्टी हाईकमान द्वारा मेरा टिकट घोषित नहीं किया गया, तो निश्चित तौर पर मैं समाजवादी पार्टी का। तौफीक अहमद कादरी, मैं पिछले 15 सालों से नगर पालिका सभासद हूँ पूरनपुर से। जी, जैसे कि आप सभासद हो तो इसके बारे में आप बताओ, जैसे किसकी पार्टी को सपोर्ट करते हैं और क्या आप चाहते हैं, आपका क्या जैसे की जानकारी? मैं तो समाजवादी पार्टी से के साथ हूं, और वर्तमान में मैं जिला सचिव भी हूं समाजवादी पार्टी का, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि जनता जो है विकास के मुद्दे पर और जो जनता की भलाई चाहने वाले प्रत्याशी हैं उन्हें वोट करें। जी, जैसे आप बता रहे हो कि आप समाजवादी के सभासद हैं और हम कई जैसे, लेकिन जैसे कि जनता देखा कि लगातार हमारी टीम हर एक वार्ड में जा रही है और वहां की जनता से ये जानने का प्रयास कर रही है कि आखिर जिन प्रत्याशियों को उन्होंने 2017 में चुना था, उन प्रत्याशियों ने उनके लिए काम किया या नहीं किया। तो एक बार फिर हमारी टीम चंदौली पहुंची, जहां हमारे चंदौली के संवाददाता ने बीजेपी के चकिया से नगर पंचायत के प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव से खास बातचीत की है। चलिए आपको सुनाते हैं। हम चकिया नगर पंचायत निकाय चुनाव में एक ऐसे शख्सियत के पास आके बैठे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही नहीं, चकिया नगर पंचायत के भावी चेयरमैन भी हैं। मैं इनको आपसे बात करके सुनाता हूँ ये चकिया नगर पंचायत का विकास किस रूप में करेंगे। मैं एक चीज़ और बताऊँ इनको, इनका रूटीन, ये हमारे साथी सहयोगी पत्रकार भी हैं, पत्रकारिता भी इनका एक पेशा और दिलचस्पी इनका लगाव है। दूसरे चीज, ये भारतीय किसानों के, भारतीय जनता पार्टी के किसानों के नेता भी हैं। ये जो एक फ्रंटल है भारतीय जनता पार्टी का, उसमें किसान मोर्चा के ये उप मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं। अब ऐसे विषम परिस्थिति में इनका व्यवहार भी बहुत सुंदर है, तेज तर्रार है, आपको बातों से खुद लगेगा कि ये क्या कहना चाहते हैं, ये चकिया नगर पंचायत को किस दिशा में लेकर चलना चाहेंगे, कैसे विकास की धारा से जोड़ेंगे, मैं आपको सुनाता हूँ। सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आप चकिया नगर पंचायत के विकास को किस रूप में लेकर चलना चाहेंगे? आपको आपके चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूल सिद्धांत है, सबका साथ सबका विश्वास, सबकी प्रगति, सबको समान लेके चलना, गरीबों के लिए सेवा ही संकल्प की भावना से नगर पंचायत के समस्त गरीबों तक जो हमारी सरकार की योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचे। नगर पंचायत में जो प्राप्त 15-17 साल से भ्रष्टाचार है उसको दूर किया जाए। जो भी विकास हो
उसमें लगे कि उसकी विकास की गति हो रही है और जो है विकास की गुणवत्ता, जो भी कार्य हो वो शानदार तरीके से उसकी गुणवत्ता अच्छी हो, भ्रष्टाचार मुक्त नगर पंचायत की संकल्पना के साथ गरीबों के संपूर्ण विकास के लिए कित संकल्पित काम हमारा उद्देश्य है। सर, अगला प्रश्न मेरा ये है कि आप क्योंकि किसान मोर्चा से भी हैं, पत्रकार भी हैं, समाज सेवी भी हैं, ये सारी एक साथ में कितना कैसे प्रेशर महसूस करते हैं, कैसे लेके चलते हैं? देखिए, समाज सेवा से तो हम बहुत पहले से ही जुड़े हैं, राजनीति के क्षेत्र में भी लगभग 20-25 साल हो गया है और पत्रकारिता भी लगभग 18 से 19 साल हो गया है। इस वर्तमान समय में मैं राष्ट्रीय सहारा का तहसील प्रमुख हूँ, चकिया तहसील का, और 13 साल से राष्ट्रीय सहारा में काम कर रहा हूँ। वकालत भी किया हूँ, पत्रकारिता भी है, 2 बार मैं नगर पंचायत का ऑलरेडी सभासद अलग अलग वार्डों से रह चुका हूँ। समाज सेवा का कार्य उस दौरान बखूबी अंजाम दिया हूँ, अनुभव है। 2 बार आदित्य पुस्तकालय, जो कि बार एसोसिएशन चकिया द्वारा संचालित है संस्था है, उसका मैं 2014 में एक बार निर्विरोध अध्यक्ष रहा और 2015 में पुनः हमारे अधिवक्ता साथियों के आशीर्वाद से मैं पुनः उसका अध्यक्ष बना। आप देख भी सकते हैं कि जो आदित्य पुस्तकालय में जो विकास उस समय हुआ था मेरे पीरियड में, वो मतलब अपने से क्या तारीफ करूँ, मतलब जितना भी हो सका बढ़ चढ़ के विकास करने का प्रयास। सुबह उठता हूँ, सुबह से लेकर शाम तक जनता के बीच में रहता हूँ। मैं चकिया का ही रहने वाला हूँ, झंडा गली में रहता हूँ और लगातार जो भी समस्याएं आती है, कुछ लोगों की प्रशासनिक क्षेत्र समस्या आती है, उसको भी अपने प्रयास करता हूँ कि हल हो। कुछ आर्थिक समस्या लोगों को आता है, उसको भी दूर करने का प्रयास करता हूँ। उससे एक साथ बहुत सारी संगठनों का दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, पुस्तकालय का अध्यक्ष हुए, मैं भूल गया आपको बताना, मुझे पता नहीं है, पर दर्द पर इनसे बातें करने पर खुल रहा है, ये 2 बार सभासद भी रह चुके हैं और इसके साथ साथ ये अधिवक्ता भी हैं। ऐसे में आपसे प्रश्न ये उठता है कि इन सारी संस्थाओं का भी तो फायदा आपको मिलेगा भी? अरे सर, जरूर हमारे साथ सभी संस्थाएँ भी, जैसे बार एसोसिएशन भी, हमारे सभी अधिवक्ता साथी का पूरा प्रेम और पूरा आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। चकिया की जनता जो है जाति पाति की बंधन से हट करके और पूरा आशीर्वाद प्रदान कर रही है, जिससे मेरा आत्मविश्वास पूरे चकिया की जनता से मिलने के बाद मेरा आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मैं निश्चित तौर पे जो मेरी जनता जो मुझे आशीर्वाद दे रही है, उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मैं जरूर सफलता प्राप्त करूँगा और चकिया की सेवा जो है और मैं बखूबी अंजाम दूंगा चकिया की जनता के लिए, जितना भी हो सकेगा करूंगा। जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास है, मैं भारतीय जनता पार्टी का फंडामेंटली एजेंडा है, तो चकिया में मैं देख रहा हूं कि चर्चाएं होती हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से दूर है, लेकिन मैं चकिया में देख रहा हूं कि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, इसमें क्या कहना आपका? अरे जरूर जुड़ रहा है। देखिए, चकिया में हमारे मुस्लिम भाइयों की आबादी अच्छी खासी है, करीब 2500-2600 के करीब है। कुछ तो हमारे पारिवारिक, हम जिस गली में रहते हैं झंडा वाली गली, उसका भी मैं सभासद रहा 2006 में, उस समय भी उनका प्रेम बखूबी मिला और रिकॉर्ड मतों से 697 वोट उसमें पोल हुआ था, इसमें से 537 वोट में पाया था उस दौर में। और हमारे सभी मुस्लिम भाइयों से मेरा घरेलू संबंध, मैं सबके यहाँ जाता हूँ, सबके त्योहारों में, उनके त्योहारों में भागीदारी मेरी रहती है, एक एक परिवार से मेरा इंटरनल जुड़ाव है, उसमें कहीं किसी को कोई शक नहीं होनी चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत ही अच्छी संख्या में, बहुत ही अच्छे मतों से जो है हमको मुस्लिम भाई भी मतदान कर रहे हैं और उनका भी आशीर्वाद हमको बखूबी मिल रहा है। जी सवाल ये चलते चलते फिर एक सवाल और भी मेरे मन में आ रहा है कि चकिया नगर विकास में ऐसा क्या चीज़ करेंगे कि आप देखते चले आ रहे हैं, कई संगठनों को लेके आ रहे हैं, आपको लगता होगा कि अगर मुझे ऐसा सत्ता हाथ में मिले
तो कौन ऐसा काम करेंगे जिसे चकिया में एक खुशहाली आ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का जो फ्रंटल सपना है वो भी पूरा हो जाए। देखिए, चकिया नगर पंचायत को जब से हम देख रहे हैं, एकदम जो भी विकास के कार्य होते हैं, शासन तो पैसा पूरा मुहैया कराती है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश ही होता है। सड़क बनता है, तुरंत खराब हो जाता है। एक साल भी कायदे से नहीं सड़क चलती है, पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। तमाम इसके पहले जो चेयरमैन रहे, पहले इंटरलॉक फैक्ट्री की स्थापना कर देते हैं और जबरदस्ती ठेकेदार को कहते हैं कि मेरे ही फैक्ट्री का इंटरलॉक ले, उसी से सड़क बनाते हैं, सड़क खराब हो जाती है तुरंत। तो पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस तरह की कोई योजना जो है, अगर मुझे मौका मिला तो नहीं रहेगा। सड़क जो भी बनेगी, चाहे सीसी की चाहे इंटरलॉक की, उसकी पहला तो सर्वप्रथम ये है, इस समय गलियों में चारों तरफ अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट की हालत बहुत खराब है, पता नहीं किस कंपनी के लाइट लगाते हैं लोग। आजकल तो एलईडी 2 साल की गारंटी पे चलता है, लेकिन लगते ही खराब हो जा रहा है। तो हर गलियों में प्रकाश की व्यवस्था हो। यहाँ जो है रोजगार के अवसर कम है। हमारे विधायक जी, आदरणीय आचार्य जी जो है क्षेत्रीय विधायक हैं, उनसे भी मेरा बहुत लगाव है, हमको बहुत प्रेम करते हैं। सांसद भी हम लोग के पार्टी से प्रणाम करते हैं, मतलब अपना दल जो है ज्वाइन। उसके बाद जो सरकार उत्तर प्रदेश में भी हम लोग की है, भारतीय जनता पार्टी की, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ये ट्रिपल इंजन की सरकार अगर बनती है तो सबको मिल के कुछ रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाएंगे, और कैंप लगा के जितनी भी महिलाएं या जितने भी आवास से वंचित हैं, हर घर आवास योजना गरीबों के लिए चल रही है आदरणीय मोदी जी का, प्रधानमंत्री जी का, तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कैंप लगा के सभी सरकारी योजनाओं को बिलाने का प्रयास किया जाएगा। विकास की गंगा बहेगी चकिया में, यही मेरी सोच है। जी, चलते चलते बाकी सवाल लेते हैं, क्योंकि आप व्यस्त हैं चुनाव में, आपको सरगर्मी बहुत तेजी से है, लगे हैं, मैं देख रहा हूँ कि जनता बहुत ज़्यादा, सब लोग आपको अपनी तरफ बात करने के लिए खींच रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहूँगा अक्सर कि चुनाव अगर जीत जाते हैं तो हम जीतने के लिए सहेली और हमारे नगर पंचायत के मतदाताओं से अगर कोई अपील करना चाहते हैं। देखिए, नगर पंचायत के मतदाताओं से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अब की बार बार हम, मैं देख रहा हूँ कई बार से भावनाओं में आकर के वोट दे देते हैं, भावनाओं में आने की जरूरत नहीं है। इस समय जरूरत है विकास की, कि कौन विकास कर सकता है चकिया का। नगर पंचायत में पिछले 15 साल से लगातार देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार चल रहा है, इन सबको दूर करने के लिए यहाँ चकिया की समस्त जनता जनार्दन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो योग्य उम्मीदवार का चयन करें। अगर मुझे जनता जनार्दन के आशीर्वाद से मौका मिला नगर पंचायत के चेयरमैन पद पर सुबित हुआ, तो मैं जरूर चकिया की तस्वीर बदलने का प्रयास करूंगा, सभी धर्मों को लेकर चलूंगा, सभी वर्गों को लेकर चलूंगा, न कोई जात न कोई भेद, सबको मिला करके सबको एक समान भावना के साथ कार्य करने का प्रयास करूँगा, यही जनता जनार्दन। हमारी बात चकिया नगर पंचायत के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौरव श्रीवास्तव से हो रही थी। कितना बारीकी से, कितना समझदारी से अपने अनुभवशील होने का प्रमाण ये दे रहे थे। ये सही है कि अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी के हाथों में या गौरव श्रीवास्तव के हाथों में दी जाए तो इसमें दो राय नहीं है, चकिया नगर पंचायत की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगी। मैं चंद्रभूषण चौबे, चंदौली से प्राइम टीवी। तो हर एक गुजरते दिन के साथ जो तमाम पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो और ज्यादा जनता के बीच जा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम समय रह गया है निकाय चुनाव में, जिसके लिए जो तमाम पार्टी के प्रत्याशी हैं वो अपने दावेदारी ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। तो कई जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो चुनाव के लिए अपनी जमीन को तराशते हुए दिखाई दे रहे हैं। नगर संग्राम की हमारी आज की खास पेशकश में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।